हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज के शोडो में हम आपको बताने वाले हैं वीवो मोबाइल के कीबोर्ड सेटिंग के बारे में। गाइस, अगर यहाँ पर कोई भी चेंजेस करना है आपको या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कीबोर्ड में तो कैसे आप सही कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो में बने रहिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको अपने कीबोर्ड को ओपन कर लेना है, कहीं पर भी आप ओपन कर सकते हैं। ओपन करेंगे, इस प्रकार कीबोर्ड ओपन होगा। अब यहाँ पर देखिए, मेरे एक्स के नीचे एक इमोजी का ऑप्शन है जो कि मैंने इसे इनेबल किया है। अगर आपके फ़ोन में कीबोर्ड में इमोजी वाला ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो ये इनेबल करके मैं आपको दिखाऊंगा, इसे चालू करके भी दिखाऊंगा। और गाइस, इसी के साथ देखिए, आपको कुछ यहाँ पर अगर आप टाइप करते हैं तो सेटिंग वाला ऑप्शन हट जाता है, इसीलिए आपको कीबोर्ड को ओपन करना है और यहाँ पर कुछ भी लिखना नहीं है तो यहाँ पर सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा टी के ऊपर, आपको इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए, मैंने जैसे कुछ नहीं लिखा है, आपको वैसे ही करना है। तो जैसे ही सेटिंग पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर लैंग्वेज नाम की सेटिंग मिल जाएगी, इस पर क्लिक करना है। अब गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको अगर भाषा ऐड करनी है तो नीचे ऐड कीबोर्ड पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर जो भाषा ऐड करना है उस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ से देखिए सभी प्रकार की भाषा मिल जाएंगी उससे रिलेटेड, फिर उसे देखिए सेलेक्ट करना है, फिर आपको सेलेक्ट करने के बाद डन पे क्लिक कर देना है, भाषा ऐड हो जाएगा। अब गाइस, अगर आपको कभी भी भाषा को डिलीट करना रहेगा तो ऊपर यहीं पर आकर इस पेंसिल वाले पेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, भाषा सेलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ डिलीट पे क्लिक कर देना है, डिलीट हो जाएगा। तो गाइस, इस तरीके से आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर जो सेटिंग है प्रेफरेंसेस का, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन था इमोजी वाला शो इमोजी स्विच की, आपके फ़ोन में इस प्रकार का बंद होगा तभी शो नहीं हो रहा है, आपको इसे चालू कर देना है, आपके भी फ़ोन में इमोजी वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, शो हो जाएगा। देखिए, इस प्रकार आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा जो सेटिंग है थीम का, हो सकता है गाइस आपके फ़ोन में थोड़ा नीचे ऊपर हो तो थोड़ा आप मैनेज कर लेना। तो थीम वाले अगर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे कीबोर्ड के थीम मिल जाते हैं, आप किसी को भी यहां से यूज कर सकते हैं। और गाइस, अगर आप चाहते हैं अपने फ़ोटो को लगाना कीबोर्ड में या फिर अपने मोबाइल के गैलरी के किसी फ़ोटो को लगाना, तो आप देखिए माय थीम पे क्लिक करके किसी गैलरी के फ़ोटो को आप लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी आसान है, क्लिक करके ऐड कर देना लग जाएगा। तो गाइस, ये रहा यहाँ की एक सेटिंग। और यहाँ पर एक सेटिंग है टेक्स्ट करेक्शन की, इस पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलता है ऑटो करेक्शन, आप इसे भी चालू कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए करेक्ट वर्ड वाइल टाइपिंग, जो आप टाइपिंग करते हैं अपने आप ही करेक्ट हो जाता है, उसी सेटिंग है, तो आप इसे भी चालू या बंद कर सकते हैं। तो गाइस, इस तरीके से आप अपने कीबोर्ड को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो गाइस, आज के दिन बस इतना ही, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू।